गुड मॉर्निंग सर। हेलो बेटे, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग सर। जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, आ रही So in renal system, regarding renal blood vessels, in each minute about 1.2 liter, यहाँ तक देखो, कल मैंने बता दिया था आपको, 1.2 liter और 1200 milliliter blood flows through both the kidneys. अब किडनी के अंदर कौन सी आर्टरी एंटर करती है? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी when enter in the kidney through hilus, it divides into several branches which are called interlobar arteries. क्या बोलते हैं उसको? inter, I-N-T-E-R, interlobar, L-O-B-A-R, interlobar arteries, interlobar, L-O-B-A-R, interlobar arteries. Each interlobar artery give rise to arcuate artery, arcuate, A-R-C-U-A-T-E, arcuate arteries, from the arcuate artery arises radial artery. From the arcuate artery arises radial artery, and from the radial artery arises afferent arteriole. And the afferent arteriole forms glomerular capillaries, and on the other side, glomerular capillaries unite to form efferent arteriole. In superficial nephron, from
efferent heart areola arises in superficial nephron. In superficial nephron, from efferent heart areola arises a bunch of capillaries. Arises a bunch of capillaries called peritubular capillaries. Peritubular capillaries, which are situated close to the renal tubule. Which are situated close to the renal tubules. Efferent arteriole of juxtamedullary glomerulus. Efferent arterioles of juxtamedullary glomerulus produce vasa rectum. Efferent arteriole of juxtamedullary glomerulus produce vasa recta, vasa recta, V-A-S-A, vasa recta, R-E-C-T-A, R-E-C-T-A, recta. वासा रेक्टा के दो पार्ट होते हैं, वन इज डिसेंडिंग वासा एंड सेकंड इज असेंडिंग वासा. वासा रेक्टा इज आल्सो कैपिलरी. देन इज रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो. किडनी के अंदर किस तरीके से ब्लड सप्लाई रेगुलेट रहती है, कभी जब जरूरत होगी ज्यादा हो जाएगी, जब आवश्यकता होगी कम हो जाएगी, तो कैसे किस तरीके से रेगुलेशन रहता है इसमें. सो नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ रीनल ब्लड फ्लो. तीन चीजों की वजह से रीनल ब्लड सप्लाई रेगुलेट रहती है. अभी तीन चीज क्या क्या है, पहला क्या है, फर्स्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड Sympathetic stimulation and noradrenaline causes constriction of efferent arteriole. जब efferent arteriole में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, यानी इसका डायमीटर कम होगा, तो ब्लड सप्लाई में क्या होगा, घट जाएगा, डैश डिक्रीज ब्लड सप्लाई या डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर ब्लड सप्लाई घट जाएगी. उसका रिजल्ट क्या होगा, डैश फिल्ट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा, डिक्रीज फिल्ट्रेशन प्रेशर, या फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी कम हो जाएगा. सो देयर इज डिक्रीज फिल्ट्रेशन प्रेशर. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज डोपामिन DOPAMIN. डोपामिन कॉजेस रीनल वेजो डायलेटेशन मैंने डायमीटर जब बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं, वेजो डायलेटेशन. और जब ब्लड वेसल आर्टरी का डायमीटर घट जाता है उसको बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन. तो डोपामिन क्या करती है, रीनल वेजो डायलेटेशन
जब वेजो डायलिटेशन होगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ब्लड सप्लाई बढ़ गई, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगा. सो इट डोपामिन कॉजेस रीनल वेजो डायलिटेशन विच रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द किडनी which results into increased blood flow in the kidney. And third is angiotensin second. Angiotensin, A-N-G-I-O-T-E-N-S-I-N, angiotensin second. It causes vasoconstriction of efferent arteriole of the glomerulus, which causes vasoconstriction of efferent arterioles. ये रीनल सिस्टम का अभी तक मैंने जितना आपको पता एक जनरल था. अब मेन इसमें मेन टॉपिक क्या है, किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है. सो नाउ वी कम ऑन यूरिन फॉर्मेशन. अब यूरिन जब बनता है सबसे पहले क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है. क्या बोलेंगे उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. इसके बाद क्या होगा, पूरा ब्लड जब फिल्टर हो जाता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से तो अच्छी चीजें और खराब चीजें सब फिल्ट्रेट में आ जाती हैं. और फिल्ट्रेट में से क्या होगा, जितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जैसे 99% वाटर पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, 100% ग्लूकोज पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जितनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उनका क्या होता है, री एब्जॉर्प्शन हो जाता है. तो उसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. और तीसरा क्या होता है, जितनी खराब चीजें और बची होती हैं ब्लड के अंदर वो फिर इसमें सेक्रीट हो जाती हैं यूरिन जो फिल्ट्रेट में, तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सेक्रीशन. तो यूरिन फॉर्मेशन के तीन पार्ट हो गए, फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकेंड इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन एंड थर्ड इज ट्यूबुलर सेक्रीशन. So urine formation includes three processes. One is glomerular filtration, second is tubular reabsorption, and third is tubular secretion. Filtration is a function of glomerular filtration. Filtration is a function of glomerulus and reabsorption and secretion are the function of tubular portion of the nephron. Are the function of tubular portion of the nephron. अब इसको एक एक करके ले लेते हैं. पहला क्या लेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. When the blood passes through the glomerular capillaries, the plasma is filtered into the Bowman's capsule.
The plasma is filtered into the Bowman's capsule. All the substances of the plasma, all the substances of the plasma are filtered except the plasma protein. Except the plasma protein, all the substances of the plasma are filtered except the plasma protein. The filtered fluid is called, the filtered fluid is called glomerular filtrate. तो जितना filtrate collect हुआ उसको क्या कहते हैं? Glomerular filtrate. During filtration, the substances passes through the three layers. During filtration, the substances passes through the three layers. अभी तीन layers. कल मैंने आपको बताया था फिल्टरिंग मेम्ब्रेन में तीन लेयर्स होती हैं, वही तीन लेयर आपको लिखनी है. पासेस थ्रू द थ्री लेयर्स. वन इज एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. दूसरा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट BASEMENT बेसमेंट मेम्ब्रेन. And third is space between the pedicels of visceral layer of cells. Plasma proteins are not filtered. Plasma, अब वाइवा में अगर पूछा जाए पूरा plasma filtered हो जाता है, plasma protein क्यों नहीं filtered होती हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसके molecule का size, molecular size, slit pore के size से बड़ा होता है. So what is the answer? The size of the plasma protein is larger than the size of the slit pores. So plasma proteins are not filtered due to their large molecular size, larger than the size of slit pores. Slit, SLITPORES, slit pores. Composition of glomerular filtrate is similar to that of plasma, except in the absence of plasma protein. यानी plasma में और glomerular filtrate में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? कितना अच्छा क्वेश्चन है नीट का ये, है ना? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या चीज एब्सेंट होती है? प्लाज्मा प्रोटीन. क्या चीज एब्सेंट है इसमें? प्लाज्मा प्रोटीन. अब एक टर्म आती है GFR, इस पे शॉर्ट नोट्स में कभी कभी आ जाता है, कैपिटल जी, कैपिटल एफ, कैपिटल आर, GFR. GFR, full form glomerular filtration rate. GFR क्या चीज होती है? एक मिनट के अंदर नेफ्रॉन कितना फिल्ट्रेट तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? GFR. कितना बनाते हैं, कितना GFR बनता है?
फिल्ट्रेट कितना बनता है 125 मिलीलीटर, तो जीएफआर कितना नॉर्मल हो गया 125 मिलीलीटर पर मिनट। सो व्हाट इज जीएफआर? द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स, इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज, ऑफ बोथ द किडनीज इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम, द टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनीज इन द गिवन यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज, नॉर्मल वैल्यू ऑफ GFR इज 125 मिलीलीटर पर मिनट। शॉर्ट नोट्स आते हैं, टिक मार दो इस पर। GFR कैपिटल G, कैपिटल F, कैपिटल R। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, फिल्ट्रेशन FILTRATION फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन FRACTION फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। GFR अभी मैंने बताया कितना होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट, मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना होता है 650 मिलीलीटर पर मिनट। सो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू GFR कितना हो गया 125 मल्टीप्लाई हंड्रेड अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है 650 मिलीलीटर पर मिनट। इट इज इक्वल टू 19.2 percentage. So this is the filtration fraction. Normal value is 15 to 20%. Normal value is 15 to 20%, 15 to 20%. Now the next is factors affecting the GFR. कौन कौन से फैक्टर हैं जिसका असर GFR पे पड़ता है? Factors affecting the GFR. First factor is glomerular capillary pressure. Glomerular capillary pressure. Glomerular filtration rate.
glomerular filtration rate is directly proportional glomerular filtration rate is directly proportional to the glomerular capillary pressure and the capillary pressure and the capillary pressure depends upon and the capillary pressure depends upon the renal blood flow. Second factor is colloidal osmotic pressure. Colloidal osmotic pressure, GFR, is inversely proportional. GFR is inversely proportional to the colloidal osmotic pressure. GFR is inversely proportional to the colloidal osmotic pressure exerted by the protein. When plasma protein is increased, sir, exerted by the GFR is inversely proportional to the colloidal osmotic pressure exerted by the protein. The colloidal osmotic pressure किसकी वजह से create होता है? Plasma protein. मान लीजिए blood के अंदर plasma protein बढ़ गया है ना, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है. व्हेन द प्लाज्मा प्रोटीन इज इंक्रीज्ड और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं? ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाना. और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर the colloidal osmotic pressure is increased. The colloidal osmotic pressure is increased. जब colloidal osmotic pressure बढ़ेगा तो GFR क्या होगा? घट जाएगा. So GFR decreases. So GFR decreases. अब ब्लड के अंदर प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाती है, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोप्रोटीनीमिया. इन हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपो मैंने कम, एच वाई पी ओ प्रोटीनीमिया, पी आर ओ टी ई आई एन प्रोटीन ईमिया, ई एम आई ए. सो इन हाइपोप्रोटीनीमिया देयर इज डिक्रीज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, देयर इज decrease colloidal osmotic pressure जब colloidal osmotic pressure घट जाएगा तो GFR क्या होगा? बढ़ जाएगा. And the GFR increases. The third factor on GFR depend is hydrostatic pressure in Bowman's capsule. Hydrostatic pressure, hydro, H-Y-D-R-O, S-T-A-T-I-C, hydrostatic pressure in Bowman's capsule, Bowman's, B-O-W-M-A-N-S, Bowman's capsule. GFR
is inversely proportional to this. GFR is inversely proportional to this. The hydrostatic pressure in Thomas capsule, the hydrostatic pressure in Bowman's capsule is increased in obstruction of the urethra. Urethra mein obstruction ho gaya. Kyun ho gaya? Maan lo stenosis ho gaya, diameter kam ho gaya, ya usme koi calculi, koi chota mota stone phans gaya. So hydrostatic pressure in Bowman capsule is increased in obstruction of urethra and edema of kidney. Edema, OE या EDEMA, edema of kidney. Kidney में क्या होता है? सूजन आ जाता है. So क्या बोलते हैं? Edema of kidney. So this is the hydrostatic pressure in Bowman's capsule. Throat is the renal blood flow. Renal blood flow. GFR is directly proportional to the renal blood flow. जितना किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई जाता होगा उतना GFR जाता होगा. So GFR is directly proportional to the renal blood flow. Vasoconstriction of afferent arteriole. Vasoconstriction of afferent arteriole. अब afferent arteriole में अगर vasoconstriction होगा तो blood supply कम हो जाएगी ना nephron में, और जब blood supply कम होगा इसका क्या result होगा? GFR घट जाएगा. तो क्या होगा? Directly proportion हो गया. So vasoconstriction of the afferent arteriole, vasoconstriction of afferent arteriole causes decreased blood flow to the glomerular capillaries, decreased blood flow, decreased blood flow to glomerular capillaries. So, GFR बाद क्या बोला आपने? So, vasoconstriction of afferent arteriole causes decreased blood flow in glomerular capillaries, in glomerular capillaries. So, GFR decreases. Next is vasoconstriction of efferent arteriole. आवाज सही आ रही है? कम तो नहीं आ रही है? No sir. Vasoconstriction of efferent, E double F, efferent arteriole. If efferent arteriole is constricted, if efferent arteriole is constricted, sorry, if efferent arteriole is constricted,
Initially there is increased GFR. If efferent arteriole is constricted, initially मैंने starting में initially there is increased GFR, but later on, due to accumulation of blood, due to accumulation of blood in the capillaries, there is decreased GFR. फिर समझ लीजिए. If efferent EFF, if efferent arteriole is constricted, तो इन स्टार्टिंग में इनिशियली क्या होगा? इनिशियली देयर इज इंक्रीज GFR. पहले क्या होगा? GFR बढ़ जाएगा. इनिशियली देयर इज इंक्रीज GFR, बट लेटर ऑन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द कैपिलरीज देयर इज डिक्रीज GFR. नेक्स्ट फैक्टर इज सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर this is responsible for flow of blood to the kidney. Next factor on which GFR depend is sympathetic stimulation. Sympathetic nerve supply. Sympathetic nerve supply, afferent and efferent arteriole. Sympathetic nerve supply, afferent and efferent arterioles mild stimulation of sympathetic nerve does not affect on GFR. Mild stimulation of sympathetic nerve does not affect on GFR. Strong sympathetic stimulation causes constriction of blood vessels the effect is more on efferent arteriole then afferent. So initially there is increased GFR.
So initially there is increased GFR, but later on GFR decreases. Next factor is surface area of capillary membrane. Surface area of capillary membrane. GFR is directly proportional to the surface area of capillary membrane. जितना कैपिलरी का सरफेस एरिया होगा, यानी जितना फिल्ट्रेशन एरिया होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही फिल्ट्रेशन अधिक होगा. So surface area of the capillary, GFR is directly proportional to the surface area of capillary membrane. Next factor is permeability of capillary membrane. चाय वाली छलनी होती है, जितने ज्यादा बड़े छेद होंगे उतनी चाय जल्दी छन जाएगी. आटा छानते हैं, जितने बड़े छेद होंगे उतना जल्दी आटा छन जाएगा. तो उसी तरीके से परमेबिलिटी, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन में पोर्स, स्लिट पोर्स का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना फिल्ट्रेशन रेट अधिक हो जाएगा. सो परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरी मेम्ब्रेन, GFR is directly proportional. GFR is directly proportional to the permeability GFR is directly proportional to the permeability of glomerular capillary membrane. GFR is directly proportional to the permeability of the glomerular capillary membrane. Abnormal conditions like hypoxia में क्या होता है बताया था मैंने, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन घट जाती है. एबनॉर्मल कंडीशंस लाइक हाइपोक्सिया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन. So, plasma proteins are filtered. And excreted in the urine. बेटा अभी 2 मिनट में लेता हूँ मैं. 2 मिनट का टाइम है. दीक्षा
दीक्षा हेलो हाँ हाँ बोलो सर ना क्या हाइपोक्सिया हाँ एबनॉर्मल कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया एंड हाइपोक्सिया टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज द परमेबिलिटी ओके टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज द परमेबिलिटी ठीक है हो गया थैंक यू वेलकम So after glomerular filtration, the second part in urine formation is T2.
ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हेलो अरे दूसरी क्लास की The substance is reabsorbed from PCT. Substance is reabsorbed from PCT. Proximal convoluted tubule में कौन कौन से सब्सटेंसेस भी एब्जॉर्ब होते हैं ग्लूकोज एमिनो एसिड्स ग्लूकोज एमिनो एसिड सोडियम आयन पोटेशियम आयन बेटे माइक बंद करिए हेलो नव्या क्लोज योर माइक माइक बंद करिए आवाज मेरी वापस आ रही है किसका माइक खोल नव्या हेलो So substances reabsorbed from PCT, glucose, amino acids, sodium ion, potassium ion, sodium ion, potassium ion, calcium ion, bicarbonate ion. क्लोराइड आयन फॉस्फेट आयन यूरिक एसिड एंड वाटर फिर सुन लीजिए सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब फ्रॉम पीसीटी पीसीटी में किस किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है ग्लूकोज एमिनो एसिड सोडियम आयन पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन बाइकार्बोनेट आयन क्लोराइड आयन फॉस्फेट आयन यूरिक एसिड एंड वाटर नेक्स्ट सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब फ्रॉम लूप ऑफ हेनले सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब फ्रॉम लूप ऑफ हेनले इसमें दो चीजें हैं सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन अब डीसीटी में किस किस चीज का रीअब्सॉर्प्शन होता है सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब फ्रॉम डीसीटी सब्सटेंसेस reabsorbed from DCT sodium ion bicarbonate ion and HCO3 and water अब सबसे पहले हम रीअब्सॉर्प्शन ले लेते हैं किसका सोडियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट
फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 99% ऑफ द सोडियम आयन इज रीअब्सॉर्ब. फिल्ट्रेट में जितना सोडियम आया था 99% उसका रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में हो जाता है. सो फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट 99% ऑफ सोडियम आयन इज रीअब्सॉर्ब. Two-thirds of sodium ion is reabsorbed in PCT. Two-thirds of the sodium ion is reabsorbed in PCT and remaining in other segment except descending limb of the loop of Henle. Two-thirds of the sodium ion is reabsorbed in PCT and the remaining in other segment except descending limb. Three processes are involved. अब reabsorption में कितने process involved होते हैं? तीन. ये तीन कौन कौन से है? फर्स्ट फर्स्ट में क्या होता है? फ्रॉम ल्यूमन ऑफ द रीनल ट्रिब्यूल, फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द रीनल ट्रिब्यूल इन टू द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स. यानी ट्यूब्यूल के अंदर जो कैविटी है, ल्यूमन है, उसमें से सोडियम आयन किसमें आ जाएगा? साइड के सेल के अंदर आ जाएगा, ट्यूबुलर सेल के अंदर आ जाएगा. फ्रॉम ल्यूमन ऑफ द रीनल ट्रिब्यूल इन टू द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल. सेकेंड में क्या होगा? फ्रॉम ट्यूबुलर सेल्स इन टू मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स. फ्रॉम ट्यूबुलर सेल्स इन टू मेडुलरी इंटरस्टिशियल सेल्स या मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ट्यूबुलर सेल्स के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो वहां ट्यूबुलर सेल्स सोडियम आयन किसमें आ गया? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. सो फ्रॉम ट्यूबुलर सेल्स इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड थर्ड. फ्रॉम इंटरस्टिशियल फ्लूइड From interstitial fluid in the blood in peritubular capillaries. अब ये तीन मैंने बताया था, तीन प्रोसेस. ल्यूमन से किसमें आ गया? ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स में आ गया. ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल से किसमें आ गया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ गया. और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से किसमें आ गया? ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में. तो इसको एक एक करके लेते हैं. पहला हम ले लेते हैं पैसेज ऑफ सोडियम आयन इनटू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स. पैसेज ऑफ सोडियम आयन इनटू ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स. सम सोडियम आयन्स आर ट्रांसपोर्टेड एक्टिवली from tubular epithelial cells some sodium ions are transported actively from tubular epithelial cells into
मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंटू मेडलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड दिस लीड्स टू low concentration of sodium ion. This leads to low concentration of sodium ion in the epithelial cells. This leads to low concentration of sodium ion in the epithelial cells. Due to this concentration gradient, sodium ion diffuses from lumen into the cells. Due to this concentration gradient, sodium ion diffuses from lumen into the cells. Sodium ion is also reabsorbed. Sodium ion is also reabsorbed by the carrier protein. Sodium ion is also reabsorbed by the carrier protein present in the cell membrane, and this is called facilitated diffusion, and this is called facilitated 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 diffusion DIFFUSION facilitated diffusion. Second process kya hota hai? Passage of sodium ion from epithelial cells into the medullary interstitium passage of sodium ion from epithelial cells into medullary interstitium. This is the active process. This is the active process. Sodium is pumped out. Sodium is pumped out from the cells. By the sodium potassium pump mechanism. Sodium is pumped out from cells by sodium potassium pump mechanism. Now the third is passage of sodium ion into the blood. Sodium from tubular epithelial cells. Is pumped into
मेडुलरी इंटरस्टिशियम सोडियम आयन फ्रॉम ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इज पंप्ड इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड एंटर इन द and enter in the peritubular capillaries and enter in the peritubular capillaries by concentration gradient. In DCT In DCT, sodium ion is reabsorbed in DCT. Sodium ion is reabsorbed by the effect of aldosterone. By the effect of aldosterone. Of aldosterone, क्या है हार्मोन है. So in DCT, sodium ion is reabsorbed in DCT, sodium ion is reabsorbed by the effect of aldosterone hormone which is secreted from the adrenal cortex which is secreted from the adrenal cortex. So this is about the reabsorption of sodium ion. After sodium reabsorption, next देंगे रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. अच्छा बेटे मेरे को एक चीज बताओ, एक घंटा लगभग हो गया. आज शाम को लेक्चर लेने का मूड है? सोचो बताओ, क्योंकि दो से तीन तो मेरी क्लास है महाराणा में, उसके बाद पांच बजे पाँच छह बजे आराम से ले लें. बेटे दो से तीन लेक्चर होगा, तीन से चार हो, खाना ना खाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा. ओके सर, तो फाइव टू सिक्स. पाँच से छह ले लें? यस सर. छह से सात ले लें आराम से अपना. यस सर. सर यस सर, सही रहेगा सर. छह से सात ले लीजिए, आठ से नौ ले लीजिए, नौ से दस ले लीजिए सर, जो फोन में आप ले लीजिए सर. रात में सर तीन से चार, सर कोई दिक्कत नहीं. हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आप जो फोन में जब ले लीजिए. ठीक है, तो फिर ऐसा करते हैं, ले लेते हैं नेक्स्ट क्लास छह बजे ले लेते हैं बेटे, छह से सात. ठीक है सर. ओके बेटे, थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहिए. गुड आफ्टरनून सर. वेरी गुड आफ्टरनून सबको, मेरा गुड आफ्टरनून सर, सबको मेरा गुड आफ्टरनून.